हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिएटिव कॉमन्स रीयूज को कैसे हटाते हैं, जो कि कभी कभी आ जाता है। क्रिएटिव कॉमन्स रीयूज अलाउड, उसको कैसे हटा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि कभी कभी हमारी वीडियो पर ये आ जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है और क्यों ये आता है। तो आज की इस वीडियो में दिए देखिए, मेरी किसी भी वीडियो में नहीं है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो में मेरी आया है। तो ये क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये निशान बन के आ जाएगा। इस पे लिखा है क्रिएटिव कॉमन रीयूज अलाउड। तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स, कि हमने जो वीडियो डाली है, हमारे इस वीडियो को कोई भी डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसको कैसे हटाएं आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो सिंपल आपको क्या करना है कि ये जो साइड में एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद, ठीक है। और जब आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आपको पता ही है कि वीडियो मैनेजर क्या है और कहाँ से, और एडिट का ऑप्शंस कहाँ से आता है, ये आपको पता ही होगा। तो उसके बाद सिंपल ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एडवांसड सेटिंग, इस पर ओके कर देना है। और जैसे इस पर ओके करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सिंपल आपको यहाँ पे फर्स्ट में उसके नीचे जो है ये लिख जाएगा, मैं लिखा हुआ मिल जाएगा क्रिएटिव कॉमन, इसको हमें ओके कर देना। और इस पर ओके करने के बाद इसको कर देना स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। इस पर ओके करने के बाद सिंपल आपको यहाँ से सेव कर देना है, ठीक है। वे देखिए, मैंने इसको सेव कर दिया और अब मैं बैक चला जाता हूँ और अभी आग जाके देखता हूँ कि ये वो हटा कि नहीं हटा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे यहाँ से वो निशान गायब हो चुका है। तो ऐसे ही अगर आपकी किसी वीडियो पर अगर आता है तो आप उसको हटा दें। इससे यही होगा, फ़ायदा है कि आपकी वीडियो को कोई और नहीं डाल पाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।